अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर होंगे, खैरे से। आज मैं आपको टोयोटा कोस्टर के अंदर एक एक्स्ट्रा ब्रेक होती है, उसे स्टेपर कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा कि वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसको कहां पे यूज़ किया जाता है। तो आसम भाई ने कमेंट्स किया था कि राशिद भाई स्टेपर के बारे में ज़रा डिटेल से वीडियो बना दें। तो ये वीडियो स्पेशल जो है कोस्टर के अंदर जो स्टेपर लगा होता है उसके मतलब है, तो आज मैं आपको उसका भी रिव्यू करवाऊंगा और इसके अंदर जो इसके अंदर वाली लाइट्स होती हैं वो किस तरह ऑन होती हैं, डैशबोर्ड का मुकम्मल रिव्यू करवाऊंगा। तो जो इस चैनल पे नए हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेशन वीडियो टोयोटा कोस्टर के मतलब, टोयोटा हाईएस के मतलब और भी कोई ऐसी गाड़ी है जिस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके मतलब मैं उसका रिव्यू आपको ज़रूर दूँगा। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो मैं आपको अंदर से रिव्यू करवाता हूँ जी। मैं ये टोयोटा हमारे पास है टोयोटा कोस्टर सलोन, तो अब इसके अंदर जा रहा हूँ तो मैं आपको अब अंदर से इसका रिव्यू करवाता हूँ। ये इसका जी डैशबोर्ड है और ये मैंने कीस के अंदर पहले लगाई हुई है। ये अब हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं, तो सबसे पहले ये हमने इसका स्विच ऑन करना है। ये हमने इसका स्विच ऑन किया, ये स्विच इसका ऑन हो गया। ये आप देख सकते हैं इसकी तमाम जो इसके मीटर के अंदर लाइट्स होती हैं वो ऑन हो गई हैं। ये बैटरी है, हैंड ब्रेक है, डोर खुला हुआ है और ये एक चेक लाइट है और इंजन ऑयल लाइट शो हो रही है। और दूसरा इसके बाद ये देखें, ये इसका डैशबोर्ड का दूसरा यानी कि हीटर वगैरह के, एसी वगैरह के और पीछे ब्लोअर वगैरह के ये बटन्स हैं। इनको वैसे अगर पंजाबी जो हमारी ज़बान है उस लैंग्वेज में कहा जाए तो इन्हें कंगी डैशबोर्ड कहा जाता है जी। ये इसके एसी वाले बटन हैं और ये जो इसके रेड वाले आपको नज़र आ रहे होंगे ये इसके हीटर के हैं, और स्क्रीन वाला जो हीटर है वो फोग्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। ये जो है इसका ये वाला, इसको हम जितना इधर करेंगे ये हीटर का ब्लोअर है, और ये जो ब्लोअर है ये वाला इसको हम ऑन करेंगे तो ये एसी का है, ठीक है। और ये जिस तरह के गाड़ियों में आम नॉर्मल होता है एसी का, यानी कि टेम्परेचर को जहाँ यहाँ पे रखेंगे तो फुल हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो इसको ये बिल्कुल यानी कि डाउन हो जाएगा, यानी कि कूलिंग कम करेगा। और ये जो इसके ये दो बटन ये लगे हुए हैं ये इसके जो उनसे अंदर वाली लाइट्स के हैं, एक ये लाइट है ये देखें और एक ये लाइट है, दो लाइटें इसके अंदर लगी होती हैं। मैं इधर से भी आपको दिखा देता हूँ, ये ऑन हो गई हैं, ये दो लाइटें हैं इसके अंदर लगी हुई हैं और ये बहुत ही अच्छी लाइट्स हैं, यानी कि नाइट में बहुत ही अच्छा रिव्यू देती हैं कोस्टर में। और ये इसका मुकम्मल डैशबोर्ड है, दो इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर यानी कि दो एयर बैग लगे हुए हैं, एक ये आपको एयर बैग नज़र आ रहा होगा इसके अंदर है और एक जिस तरह ये स्टीयरिंग के अंदर होता है ड्राइवर के लिए, ये एयर बैग है, ये हॉर्न और ये साथ आपको एयर बैग नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ। और सिंपली जिस तरह ये है, ये इसका चारों इंडिकेटर जो इस होते हैं ये उसके लिए है, बटन ये लगा हुआ है। बाकी इसके अंदर और इतना कोई ख़ास और कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, ये जो नॉर्मल इसी तरह फंक्शन है वही हैं। ये इसका गियर है, इसके अंदर पांच गियर जो उनसे होते हैं ना वो फॉरवर्ड हैं, यानी कि एक गियर बैक जो है रिवर्स है, टोटल इसके छः गियर हैं। और ये इसके अंदर एक ये आपको दिखा देता हूँ, एक और चीज़ इसके अंदर है, ये इसके अंदर माइक है, ये माइक में हम अगर पीछे आवाज़ नहीं जा रही हो तो माइक से बोल भी सकते हैं, माइक से हमने अगर किसी को कुछ कहना हो तो ये इसके अंदर माइक एक इन्होंने दिया हुआ है। इसका ऑन करने का तरीका ये है, अगर हम इसके साथ ही किसके साथ पुश बटन लगा हुआ है, जैसे हम इसको पुश करेंगे ये देखिए इसकी लाइट्स ऑन होगी, जब ये ऑन होगा तो साथ ही ये जो आपकी एलसीडी जी ये अगर जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ये इसके मीटर को मैंने ऑन किया हुआ है ना, तो इसके साथ ही ये जो वाइपर स्विच होता है ना ये वाला, ये लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है ये वाइपर स्विच, इसके अंदर ही जो है ना ये स्टॉपर का ऑप्शन लगा हुआ है। अगर हम इसको ऊपर वाली साइड पे कर देंगे ना इस तरह, ये ऊपर वाली साइड पे, सॉरी नीचे वाली साइड पे, तो ये देखिए इसके अंदर एक ग्रीन लाइट शो हो रही है आपको, ये ग्रीन सी लाइट। अब ये स्टॉपर ऑन हो गया है, इसका मकसद ये होता है अगर आप इमरजेंसी में गाड़ी रोकना चाहते हो तो गाड़ी की ब्रेक्स ना लग रही हो तो फिर इसको ऑन करना है, फिर ये गाड़ी के इंजन को ऑटोमेटिकली अपने अंदर से यानी कि ब्रेक्स का इस्तेमाल होगा, इसका अंदर से ये ब्रेक लगाएगा इंजन से, तो हमने इसको जब ऑन कर देना है, ये इमरजेंसी के लिए है। ये देखें ये ग्रीन सी एक छोटी सी आपको लाइट ये शो हो रही होगी,
ठीक है। अगर हम इसको ऊपर कर देंगे, ये देखें ऑफ हो जाएगी, ये ऑफ होगी। जैसे हम इसको नीचे करेंगे ये ऑन हो जाएगी। तो इसको हमने ऑन पे नहीं रख के गाड़ी चलानी, इसको हमने ऑफ ही रखना है जब भी हमने गाड़ी ड्राइव करनी है। तो ये स्टॉपर का मकसद है, इसके अंदर लगा होता है जो टोयोटा कोस्टर के अंदर और बड़ी गाड़ियों में मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, उनके अंदर दो दो तीन तीन भी लगे होते हैं, लेकिन ये कोस्टर के अंदर सिर्फ एक ही मौजूद है जी। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये जो आपकी LCD लगी हुई है ना, जो अगर आपने एक्स्ट्रा लगवाई होगी, उसका बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये माइक के ऊपर रहेगा। और ये माइक का वॉल्यूम भी है, अगर हम इसकी आवाज़ कम स्लो करना चाहें यहाँ से, इसको जितना मर्जी हम कर सकते हैं। तो मैं आपको बोल के भी दिखा देता हूँ इसमें, हेलो हेलो, ये आप सुन रहे होंगे, हेलो, ये इसका काम देता है। और दूसरा, मेरे भाई ने ये भी कहा था कि आप मुझे इसके इंजन का साउंड भी सुना दें, तो ये मैं अब इंजन का साउंड आपको सुना देता हूँ इसको स्टार्ट करके। पहले हमने सबसे पहले देखना है कि ये न्यूट्रल है, ये इसका इंजन है। तो मैं अब इसको स्टार्ट करने लगा हूँ, जी ये इसके इंजन का साउंड है। ये 4C इंजन है इसका, टोयोटा कोस्टर सलोन, और ये इस तरह इसका ये लगा हुआ है गियर ऑयल का, और ये इसकी ऑयल टेम्परेचर लगी है, और ये जी इसका मुकम्मल इंजन है। इसके अंदर इसका ये रेडिएटर वगैरह का लगा हुआ है बॉक्स, ये अगर इसको उठाएंगे ना, इसके नीचे रेडिएटर का अगर पानी वगैरह कम हो तो यहाँ से डलता है। और ये डैशबोर्ड के अंदर एक ये कप होल्डर भी है, ये देखें ये कप होल्डर वगैरह भी है, अगर आपने कोई चाय कॉफ़ी कुछ अगर रखना हो तो इसके अंदर आप रख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, और भी किसी मेरे भाई ने कोई कोस्टर के मतलब कोई सवाल पूछना हो या कोई बात करनी हो तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और चैनल को जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।